आज हम लोग जिस दुख की घड़ी में हैं और जिस तरह से बिहार के दलित और शोषितों के नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को भरे सदन में अपमान किया गया और जबरदस्ती उनको बैठाया गया, ये दर्शाया गया, ये दिखाया गया कि आप कमज़ोर हैं, आप मूर्ख हैं, दलित मूर्ख होता है, आपको बोलने का अधिकार नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद करने का जो संवैधानिक अधिकार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया, उससे हम लोग आहत है और असहाय महसूस कर रहे थे। जब इस राज्य के मुखिया ही हम लोग के प्रति इस तरह के रवैया रखेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। इस दुख की घड़ी में हम लोग ने देखा कि इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से हम लोग को साथ दिया, तेलंगाना की सभा में जीतन राम मांझी जी का नाम कोट करके और रामविलास पासवान जी का नाम कोट करके उन्होंने बिहार के शोषितों, वंचितों और गरीबों के प्रति जो अपना आस्था दिखाया और ये दिखाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, वाकई में ये लगता है कि देश का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि देश चाहे राज्य के जब तक सबसे कमज़ोर वर्ग के लोग अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे तब तक राज्य और देश कह नहीं सकता है कोई देश कि हम मेरा देश शांतिपूर्वक है, चाहे हमारा सर्विस सही है। तो हम जो दलित समाज है उसके पीछे प्रधानमंत्री जी खड़े दिखे, निश्चित तौर पर उनकी उदारता है, उनकी संवेदनशीलता है, और ऐसे व्यक्तित्व जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं उनके मन इतना अच्छा हो, उनकी भावना इतनी अच्छी हो, गरीबों के प्रति उनका समर्पण ऐसा हो, यही बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जब इस राज का नायक, इस राज का जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हो व्यक्ति, अगर दलितों के प्रति उनको प्रेम होता है तभी भारत विश्व गुरु बनता है। और नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि उनके अंदर क्षमता है विश्व गुरु बनने का, भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को सुपर पावर बनाने का। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से कि आप सब हमारे साथ खड़े हैं, और हिंदुस्तानी युवा मोर्चा से लगभग एक एक कार्यकर्ता की तरफ से उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।